अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हैप्पी वेंसडे। और आज काफ़ी जो है बाहर धुंध पड़ गई और दिसंबर बता रहा है बोल बोल के कि मैं आ गया हूँ। और ये अभी सुबह सुबह मैंने ये करना होता है बादाम, अगर मैं रात को नहीं भिगोती तो सुबह गर्म पानी में इसको डाल देती ताकि छिलके उतर जाए। ओके, दिस ब्यूटीफुल फ्लावर एक बच्ची ने दिया था परसों, वो तब ज़्यादा प्यारा लग रहा था, अभी थोड़ा मुरझा गया। इसको पानी में रखा था, वो इसलिए उसने दिया था कि ट्रिप पे टीचर्स ने मेरी केयर की, मेरा ख्याल रखा, तो उसके थैंक्स में उसने ये दिया। काफ़ी क्यूट जेस्चर था उसका। जस्ट लुक एट दिस, दिसंबर आज चीख चीख के बता रहे हैं कि मैं आ गया हूँ। अभी बहुत ज़्यादा धुंध है और छुट्टी का टाइम हो गया है, बहुत धुंध है अभी तक। Let's go. Welcome to 5 minute drops hack number 169. So you do this because I can't find the bell, na? वो उधर पड़ा हुआ है। तो मैंने एक ग्लास यूज़ कर लिया क्योंकि ये पैकेट भी छोटा है। जब केचप थोड़ा रह जाए। गिरने लगा। तो अब हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे और उसकी आखिरी बूंद। क्योंकि बाहर इतनी ठंड है कि मैं नहीं जा सकता। आते सारी मुझे बोला कि ये हुए हुए हैं कटे हुए हैं तो फ्राई करना है, सो मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। इधर वो दूसरे चूल्हे पे एक्चुअली गैस कम है तो ये बड़े बर्नर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जल्दी हो जाए। और ये इसने इधर ही मेरे ख्याल से ख़त्म करके अंदर दफा होना है। शोहा मैंने तो नहीं और देने फिर। सेम टू यू। और साथ ही चाय भी बन गई जनाब, किचन में थे तो फिर ऐसे क्या, चलो चाय भी बना दी एक्चुअली। The next day. Morning. और कल तो सिर्फ धुंध थी और आज धुंध के साथ साथ कक्कर भी पै रहे हैं। पता नहीं आज बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, पर बहुत ज्यादा सर्दी है। फिर हम लोगों की क्लास की टर्न है, ये लेके खड़ी है और वो जनाब कंडक्शन करेगी और थोड़ा सा हम लोग कायदे आजम डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ साथ। केक उसको चाहिए आज शाम 7 बजे तक, तो मैं कहा चलो बना देते हैं, खैर है तो अभी ज़रा हाई क्लास से कुछ सामान ले। 5 मिनट से भी कम में हमने चीज़ें ले ली हैं क्योंकि पहले से पता था क्या क्या लेना, कोई सोचने वाला सीन तो है नहीं था, वो तो सिर्फ जूतों और कपड़ों में सोचना पड़ता। तो घर आते सारी नमाज शमाज पढ़ के मैं ये करने बैठ गई थी और स्पंज का बैटर रेडी हो गया है और 3:30 बज गए। बस मैं इसको जल्दी से ओवन में रखूँगी, अल्लाह करे बस लाइट ना जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी में मैंने क्रीम भी साथ ही विप कर ली थी, मैंने कहा क्रीम विप करके फिर सुकून से एक दफ़ा बैठूं। और केक भी डन हो गया था तो साथ ही जनाब 4 बजे लाइट भी चलेगी, मैं कहा वाह अच्छा हुआ मेरा सब कुछ रेडी था। बस अब ऊपर जो चॉकलेट वो करनी है ड्रिजल वो बस पोर करनी है तो लाइट आएगी तो उसको फिर पिघलाऊंगी, नहीं तो उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। केक बॉक्सेस कोई बचे नहीं है, अब क्या करूँ मैं, लेकिन शुक्र है 3 पड़े हुए थे कहीं कोने खुदरे में तो मुझे मिल गया एक, और अभी मुझे मौका मिल ही गया फाइनली दोपहर का खाना खाने को। और मज़ेदार किस्म की बिरयानी पकी है। अभी अभी बत्ती आ गई है, पूरा 1 घंटा बंद रही है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग एंड मेकिंग केक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 7:45 बजे 15 मिनट पहले ही केक रेडी हो गया है। लुक एट दिस चॉकलेटी यम्मी डिलाइट। टंटनान केक रेडी टू डिलीवर। और अब मैं ये उधर शूट नहीं करूँगी, बस हमने फिर जाना है और पकड़ा के आ जाना है। वहाँ से आराम मतलब खैरियत से केक दे आई थी मैंने जिसने ऑर्डर किया था, और अभी रात का खाना खाने लगी हूँ मैं। और लाइक और सब्सक्राइब आप मस्त कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।